जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा में पूर्व कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा के करनाल में पूर्व विधायक जिले राम ने सोमवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके साथ इंद्री विधानसभा से इनेलो प्रत्याशी रहे प्रदीप कंबोज समेत 116 लोग भी भाजपा में शामिल हुए। इन सभी को सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई। पूर्व विधायक जिले राम एक महीने पहले पूर्व सरपंच करम सिंह के सुसाइड केस से बरी हुई है। इस केस में वह 9 महीने जेल भी काट चुके हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की चर्चा है। जिले राम शर्मा ने कहा कि हमने पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी, ना तो कोई पद और न ही किसी से टिकट मांगी। मैंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिले राम का पूरा मान सम्मान करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज देश का वातावरण बदला है, लोगों ने भाजपा को सराहना शुरू किया है, भाजपा की नीतियों के लोगों को प्रभावित किया है। आज जिले राम शर्मा ने भाजपा को ज्वाइन किया है, उनका भाजपा में स्वागत और उनके साथ जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है। उन्होंने कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें पीएम मोदी की झोली में डाली थी और अब की बार फिर इसी आंकड़े को बराबर रखते हुए ज्यादा मार्जन से 10 की 10 सीटों को जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।